बच्चे ने हमसे क्वेश्चन पूछा था सर, ट्रक फार्मिंग में और डेयरी फार्मिंग में क्या सिमिलरिटीज है। देखिए, सबसे आसान भाषा में समझिए कि जो ट्रक फार्मिंग है और डेयरी फार्मिंग में, इसमें ये सिमिलरिटी है, पहला सिमिलरिटीज कि दोनों को दोनों एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का ही भाग है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ये भी कृषि में एक भाग है और ये भी क्या है, कृषि का भाग है। अब समझिए, सबसे पहले बात करेंगे ट्रक फार्मिंग क्या होता है। तो ट्रक फार्मिंग जो होता है हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस होता है। सर, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस क्या होता है, जिसमें हम सब्जी उगाने का एक या एक से ज्यादा किस्म की सब्जी अगर हम अपने खेत में लगाते हैं और एक ही समय लगाते हैं, तो उसी को हम लोग जो है हॉर्टिकल्चर मतलब ट्रक फार्मिंग करते हैं। लेकिन ट्रक फार्मिंग वर्ड क्यों आ गया, ट्रक फार्मिंग इसलिए आ गया कि हम इसे ट्रांसपोर्ट कराने का और इसमें जितने भी हमारा वेजिटेबल्स होता है इसको हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन कराकर जो प्रोडक्शन इसका हो जाता है तो हमें जो है लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि मार्केट में भेजना होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आपका ये डायरेक्ट फार्मिंग होता है तो इसके जितने भी दूध बनता है तो दूध कहां से आएगा, सिंपल सी बात है, जानवरों से निकल के आएगा। तो जानवरों को खाने के लिए क्या चाहिए, तो आपका जो हॉर्टिकल्चर जो प्रोडक्ट आ चुका है जैसे कि सब्जी है, सब्जी के जो वेस्टेज हो जाता है उसको क्या करेंगे, जो जानवर होंगे खाएंगे, जिसके कारण डेयरी का प्रोडक्शन होगा। अब डेयरी फार्मिंग तो मैंने तो करा दिया, लेकिन जो डेयरी के फार्मिंग जो डेयरी प्रोडक्ट आ जाता है उसको भी हमको क्या करना रहता है, मार्केट में भेजना रहता है। तो दोनों कहीं ना कहीं आपका जो है प्रोडक्शन जो है मार्केट से है, इसको भी मार्केट में भेजना है और इसको भी मार्केट में भेजना है। यही आपका क्या होता है, सिमिलरिटी होती है।